अरे नहीं नहीं, ये तो जाइगेंटोमैक्स बन गया। अरे यार ये दोनों तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं। लगता है हमें अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। जाओ लुकार ये जाइगेंटोमैक्स। अरे भाई भाई भाई, ये ड्रैगन तो कितना ज्यादा पावरफुल है। गया 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 गया, अपना जेट ड्रैगन भी गया। भाई यार मेरी हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है दोस्तों, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे निपटा ही देगा। चल आज ऑस्ट्रेलियन भागते हैं यहाँ से, नहीं तो ये हमारा सिक्का बना के खा जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, गया 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 गया। तो हे दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत आपका पाल वर्ल्ड की अनोखी दुनिया में। एंड यार अपडेट के बाद गेम के अंदर बहुत मस्त मस्त पोकेमोन ऐड हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि आज हम लोग कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ पाएंगे? तो वो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। बट उससे पहले गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करो यार। तो चलो चलते अपने बेस पे। तो हे दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत आपका हमारे इस छोटे से बेस पे। एंड गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा ही खतरनाक होने वाली, क्योंकि हम लोग 58 लेवल के हो चुके हैं भाई। एंड दोस्तों यार, अब हमें मिल चुका है अल्ट्रा सीड एंड गाइस अल्टीमेट स्पीयर गाइस, जिसकी मदद से हम लोग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ने वाले हैं। बट यार उससे पहले गाइस हमें इन स्पीयर्स को बनाना पड़ेगा। उससे पहले गाइस इस अंडे को इस हैचिंग की तरफ लेकर चलते हैं। एंड गाइस कल देखते गाइस हम लोगों ने जो अंडा रखा था उसमें से भाई लोग कौन सा पोकेमॉन निकला, क्योंकि हम लोगों ने कल फैंगलप एंड गाइस मार्टाई को बीट करवाया था। एंड लेट्स सी गाइस, देखते गाइस अंडे में कौन सा पोकेमॉन निकलने वाला है। तो भाई निकल जा कुछ भयानक सा। अरे भाई ड्राई हाउल, इसका मैं क्या करूंगा? चलो गाइस कोई नहीं, गाइस जो मिला ठीक ही है। चलो गाइस आज के अंडे को यहां पे रखते हैं। गाइस कल देखते हैं इनमें से गाइस कौन सा पोकेमॉन निकलने वाला है। बट उससे पहले गाइस चलो फटाफट गाइस अपने बिटी फार्म की तरफ चलते हैं। एंड प्लेडियस एंड गाइस एस्ट्रोगोन को यहां से बाहर निकालते हैं, ताकि हम लोग किसी दूसरे पोकेमोन के पे लगे रख सके। एंड आज वाला पोकेमोन गाइस काफी ज्यादा ही भयानक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग रखने वाले गाइस लाली नॉट एंड बायलोर निब्रो, अबे लिब्रो, सॉरी गाइस लिब्रो को रखने वाले हैं। तो चलो गाइस लाली तो गाइस हमें यहीं पे गाइस मिल चुके हैं, इसको उठा कर लेके चलते गाइस ब्रीडिंग फार्म की तरफ। यार कितनी क्यूट लगती है भाई साहब, देख रहे हो इसको? तो चलो गाइस यहां पे गाइस पटकते हैं, उसके बाद लाते गाइस बायोलाइन। अरे यार इसको लेकर आ, जिस का नाम मैं सही सॉरी बोल नहीं पाता, बट वो है कहां पे, यही इतनी बड़ी गाइस। चलो गाइस मिल गई यहां पे, तो गाइस ये रही, चलो इसको उठा कर लेके चलते यार, इस करना ही वो टेढ़ा यार। बिलोनाई रोके तो बिलोनाई रही है, चलो ठीक है भाई इसको यहां पे रखते हैं। एंड उसके बाद देखते गाइस हमें कौन सा अंडा मिलने वाला है। तो चलो गाइस हम लोगों ने इन दोनों को यहां पे असाइन कर दिया, बट यार इन दोनों की ब्रीडिंग स्टार्ट हुई कि नहीं, चलो गाइस पास जाकर देखना पड़ेगा भाई। ओके तो गाइस इन दोनों की ब्रीडिंग गाइस स्टार्ट हो चुकी है, बट उससे पहले गाइस हमें अंडे के लिए गाइस एक केक चाहिए होगा। एंड गाइस आई थिंक एक केक मेरे पास यहां पे है भी, तो चलो गाइस हम लोगों ने गाइस एक केक डाल दिया है। एंड अपन को बस एक ही अंडा चाहिए था। एंड गाइस अब चलते गाइस महायुद्ध करने, बट यार उससे पहले मुझे कुछ चेक करना। चलो गाइस देखते गाइस वहां पे गाइस जैसे हम लोग का इस लेवल बढ़ा गया, दूसरे बाकी सारे पोकेमॉन्स का बढ़ा है क्या? ओके तो गाइस आप लोग मेमोरस, ओ भाई साहब 75 लेवल का मेमोरस भाई, इसका गाइस लेवल 38 था भाई साहब, 75 लेवल का भाई लोग ये हो चुका है यार, इसको अपन लोग पकड़ेंगे कैसे भाई? तो चलो गाइस ट्राई करके देखते गाइस ब्लेज मोड को भेजते, देखते भाई कुछ होता है क्या इसके साथ। ओ भाई साहब 22 की एचपी का डैमेज दे रहा भाई, देख रहे हो? ओके ओ भाई साहब इतना भयानक अटैक करने के बाद भी गाइस 1 2, अरे भाई ये कौन सा अटैक है भाई इसका? अरे भाई भाई ये तो गाइस लेजर बीम मार रहा है भाई, क्या है ये, इतना भयानक है कैसे बन गया भाई इतनी जल्दी? अरे बाप रे। तो यार दोस्तों इसको हराने के लिए भाई तो हमें अपना गाइस लेवल अपग्रेड करना पड़ा, क्योंकि इसके गाइस डैमेज इतना सारा दे रहा, पर ओ भाई फिर भी गाइस इसको कुछ नहीं हो रहा गाइस, देख रहे हो इतना भयानक भयानक अटैक कर रहा है भाई, अरे बाप रे। एंड यार इसके अटैक्स भी गाइस पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। एंड गाइस ये कौन-कौन सा अटैक भाई साहब, 3-4 अटैक्स कर रहा है क्या ये? भाई ये क्या बन गया गाइस, आई थिंक गाइस अपन लोग इस लेवल पे इसको हरा नहीं सकते गाइस। तो फटाफट गाइस यहां से चलते एंड देखते हैं अपडेट के बाद गाइस सारे पोकेमॉन्स कितने ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। तो लेट्स सी गाइस यहां पे गाइस कोई पोकेमॉन है क्या यार? उससे पहले मुझे गाइस पायरोलाइन को देखना भाई साहब, क्योंकि वो काफी ज्यादा ही पावरफुल पोकेमॉन है गाइस। अगर वो हमें मिल गया तो गाइस इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं होगा जो हमें हरा पाएगा। तो लेट्स सी गाइस देखते हैं हमें, अरे भाई भाई मिल गया गाइस पायरोलाइन, वाओ गाइस 85 लेवल का भाई, तो क्या ही मजा आने वाला है इसका फाइट करने में गाइस। अगर ये अपनी आर्मी के अंदर आ गया भाई साहब तो पूरे पैलवर्ड में गाइस तहलका मच जाएगा भाई। चलो गाइस देखते हैं गाइस अपन को इसको पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते। अरे भाई भाई काम भाग के जा रहा है, रुक जा तू यार, चाहे कुछ भी हो जाए बट आज हम इसे पकड़ के अपने गाइस बेस पे लेकर जाने वाले हैं। तो लेट्स सी गाइस इसको पकड़ने के लिए गाइस अपन को कितनी गाइस पोकेमॉन की बलि देनी पड़ती है। एंड यार ये कुछ खा रहा है गाइस, इसके पास चलकर देखते हैं भाई। यार दिखने में कितना ऑसम लग रहा है भाई साहब पायरोलाइन, वाओ यार। अरे अटैक नहीं करना, अटैक नहीं करना, अटैक नहीं करना, इसके पास जाके देखते भाई। अभी तक तो ये शांत है गाइस, आई थिंक अपन इसको छेड़ेंगे नहीं तो गाइस ये अपन को ऊपर अटैक भी नहीं करेगा। तो चलो इसके पास जाके देखते भाई, यार कितना ज्यादा मस्त लग रहा है भाई। आई थिंक यार जब इसके ऊपर अपन लोग सवारी करेंगे तो भाई सब काफी ज्यादा ही भयानक लगेगा यार, क्योंकि यार हमारा गाइस आर्मर भी इसकी गाइस स्किन के साथ मैच कर रहा है। तो लेट्स सी गाइस ये अटैक नहीं कर रहा है, इसके पास जाके देखते भाई क्या है, क्या है कुछ इसके पास? ओके तो ये कुछ खा रहा है यार, इसके पास जाके देखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसके पास डाउट हो गया कि अपन लोग कुछ करने वाले, ये क्या कर रहा है? ओके तो ये अपन के ऊपर गाइस अटैक नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? ओके तो गाइस फायर ब्रीथ मार रहा है क्या भाई? अरे अबे ये कौन सा स्पाइक क्या क्या मार रहा है भाई? अबे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे 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 ये क्या है, ये क्या है, ये लो भाई साहब पाल भी मार रहा है क्या भाई? ओके तो आई थिंक पाल भी है यार। तो चलो गाइस
इसके अपने फर्स्ट चिल्ड्रन को, ओ भाई साहब इसके एक ही अटैक से फर्स्ट चिल्ड्रन की आधी रह खत्म हो गई। भाई चलो गए तो अपने ईगल को भेजते हैं, तो देखते भाई ये क्या करता है। ओके गाइस, तो ये पोकेमोन गाइस काफी ज्यादा ही पावरफुल है गाइस। इसको पकड़ने के लिए गाइस अपन के पसीने छूटने वाले, बट गाइस कोई नहीं गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए अपन इसको पकड़ कर लेकर जाने वाले यार, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा ही मस्त दिख रहा है भाई। और भाई साहब मेरा ईगल भी गया गाइस, काम से गया, पूरी तरीके से गया भाई। यार गाइस अपने पास बहुत स्ट्रॉन्ग गाइस फर्स्ट चिल्ड्रन ही बचे यार, लगता गाइस अपने स्ट्रॉन्ग के भेजना पड़ेगा। एंड यार इससे गाइस मुझे जितना ज्यादा होता है बच के रहना, इसके ऊपर अटैक गाइस करते रहना पड़ेगा, तब ये थिंग डैमेज होगा। ओके ओ भाई 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 भाई, इसका फायर ब्रीच गाइस काफी भयानक है गाइस। इसके एक ही अटैक से स्ट्रॉन्ग की आधी हेल्थ गाइस खत्म हो जा रही है भाई, देख रहे हो। एंड गाइस मेरी भी हेल्थ गाइस काफी कम हो चुकी है, एंड हेल्थ गाइस एंड इसके ऊपर पे और अरे अरे ये क्या है क्या, नहीं 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 निकल निकल अब भाई भाई 300 एचपी वाली बची गाइस फर्स्ट एलियन, चल भागते भाई यहां से, नहीं तो ये हमारा सिक्का बना के खा जाएगा। जल्दी 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 ऊपर 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 भाग 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 भाग। अब गाइस आई थिंक ये हमें पकड़ नहीं सकता। ओके तो चलो चलते हैं। अरे अब ये क्या मार दिया, गए अपन को यार इसके एक ही अटैक से अपन लोग पूरी तरीके से खत्म हो चुके। तो चलो गाइस जल्दी चलते अपने बेस पे, उसके बाद लेकर आते हैं अल्टीमेट स्पेयर इसको पकड़ने के लिए। तो चलो गाइस जल्दी चलते गाइस, फटाफट देखते गाइस अपना गाइस पाल मेटेरियल रोड बन गया कि नहीं बन गया। ओके तो गाइस आप गाइस बहुत सारे अपन लोगों ने गाइस बना लिए, तो वेल गाइस इतने से गाइस आई थिंक अपन लोग बहुत सारे गाइस आई थिंक स्पेयर बना लेंगे यार, ऐसा थोड़ी लगेगा बहुत सारे अपन के पास है। तो चलो गाइस चलते फटाफट गाइस मस्ती की तरफ, इसके बाद बनाते हैं गाइस अल्टीमेट स्पीयर। ओके तो यहाँ पे गाइस किधर है, ओके तो यहाँ पे गाइस चलो गाइस देखते गाइस कितने बन पाते हैं। अपन लोगों ने अनलॉक तो कर लिया था ना इसको। ओके यहाँ पे गाइस, ओके तो इधर किधर, ओके तो यार गाइस अल्टीमेट स्पीयर गाइस ठीक है। तो चलो बनाते हैं अपना गाइस लेजेंडरी स्पीयर। ओके तो गाइस लेट्स सी गाइस। अरे भाई साहब ये क्या इतने सारी चीजों से, मतलब गाइस हमें बस 90 स्पीयर मिलेंगे क्या भाई। तो चलो गाइस कोई नहीं गाइस अपन लोगों ने इसको गाइस, अरे वाह यार मतलब कितना व्हाइट व्हाइट दिख रहा है गाइस, काफी मस्त लग रहा है मेरे को यार। चलो गाइस फटाफट से गाइस ये सब गाइस यहां पे काम पे लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपन गाइस ड्रैगन एंड गाइस जाइगेंटमैक्स फ्रोस्टीलियन को पकड़ने के लिए। एंड गाइस यार ये वाला बैटल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ओके तो गाइस तो अपन लोग यहां पे आ चुके हैं। एंड गाइस अपन की पेटी कहां पे गाइस, पहले वहां पे चलते हैं, उससे गाइस अपने गाइस कपड़े वपड़े लेकर आते हैं एंड उसके बाद से चलते हैं गाइस ड्रैगन को पकड़ने के लिए। तो वेल गाइस अपन को पैरोला नहीं गाइस यहीं पे गाइस मिला था। एंड लेट्स सी गाइस अपन की इस पेटी कहां पर है भाई। ओके ओके तो यहां पे गाइस यहां पर है। ओके तो अपन की पेटी गाइस यहां पर पड़ी हुई है, तो देखते हैं गाइस फटाफट सारी चीजें हैं गाइस, चलो इसके अंदर चलो। तो दोस्तों अब हमें गाइस मिल चुकी अपने सारी चीजें गाइस हमें वापस मिल चुकी है। एंड फटाफट से चलते गाइस ड्रैगन के पास। एंड लेट्स सी गाइस देखते हैं अपन लोग ड्रैगन के पास कितने टाइम तक या फिर गाइस कितनी देर तक टिक पाते हैं, क्योंकि यार वो इन सबसे भी ज्यादा पावरफुल होगा यार। तो लेट्स सी गाइस अपन को ड्रैगन को ढूंढने में गाइस कितना टाइम लगता है। आई होप यार मुझे जल्दी से मिल जाए, क्योंकि गाइस मुझे उससे फाइट करनी है भाई, मतलब यार मुझे फाइट तो करनी है अच्छी तरीके से उससे। वेल आखिर वो होगा कहाँ पे भाई, आई थिंक गाइस यहीं पे आसपास ही होना चाहिए वो, क्योंकि उसका लोकेशन आई थिंक यहीं। ओ भाई साहब मिल गया, ये रहा ड्रैगन। वाओ यार दिखने में काफी ज्यादा ही भयानक लग रहा है यार, देख रहे हो यार। नहीं 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 नोटिस ने अपन को कर लिया। एंड ये रहा इसका पाल ब्लास्ट। ओ भाई साहब शील्ड भी गई, एचपी भी गई, दोनों चीज मेरी खत्म हो चुकी है। एंड भाई 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 चलो गाइस अपने जेट ड्रैगन को भेजते हैं। एंड गाइस ये रहा अपना पहला अटैक भाई, मतलब 1-1 का डैमेज इसको, इतना भयानक अटैक करने के बाद भी इसके ऊपर गाइस 1-1 का डैमेज आ रहा, देख रहे हो यार। इन सबको पकड़ने के लिए अपन को अल्टीमेट स्पीयर एंड गाइस अल्ट्रा शील्ड की जरूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि यार इतने ज्यादा। अरे भाई ये कितने अटैक मार रहा है भाई, देख रहे हो 1, 2, 3, 4 अभी 4 अटैक मार चुका है भाई, कितने अटैक इसके पास। ये लो भाई एक और अटैक की तैयारी कर रहा, लो भाई साहब मार दिया डार्क लेजर। अभी पांचवा अटैक, मतलब क्या भाई साहब क्या बवासीर फैला के रखा है इसने, पांचवा अटैक कर रहा है भाई साहब। एक पोकेमोन अपन के पास बस 3 अटैक होते हैं भाई, देख रहे हो। अब ये लो इसका पावर ब्लास्ट, गया अपना जेट ड्रैगन भाई, खत्म हो चुका, टाटा बाय बाय नेक्रोमन, जल्दी जा भाई साहब कुछ तो कर यार। तुम लोग क्या खाते पीते घर के पोकेमोन लग रहे, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाते गाइस, क्या मजा आ यार। मतलब यार देख रहे हो इतना भयानक अटैक करने के बाद भी भाई साहब इसका कुछ नहीं हो रहा यार, मतलब गया 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 नेक्रोमन भी गया भाई, नहीं नहीं बचा हुआ अभी तो नेक्रोमन बचा हुआ इसको बचा कर। एंड यार मेरे भाई साहब इतने अटैक करने के बाद इसको आई थिंक गाइस 1-1 की डैमेज ही पड़ रही थी, गाइस डैमेज तो पड़ ही नहीं रहा यार। आई थिंक इसको हराने के लिए गाइस अपन को अपना लेवल गाइस इंक्रीज करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा ही भयानक हो चुका है, देख रहे हो गाइस पोकेबॉल को उड़ा दे रहा है यार। आई थिंक नेक्रोमस भी इससे डर रहा है भाई, देख रहे हो नेक्रोमस की गाइस हेल्थ गाइस काफी ज्यादा कम हो चुकी है। एंड यार नहीं 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 गया, लो अपना नेक्रोमस भी गया भाई साहब। चलो गाइस ब्लेसबॉन को भेजते हैं, देखते भाई साहब वो आई थिंक इसका अगेंस्ट गाइस इफेक्टिव होता है कि नहीं होता यार। जा ब्लेसबॉन भाई तू कुछ कर नमक कर दे मेरे यार। ओके और भाई साहब इसके अटैक गाइस 1-1 के डैमेज दे रहे हैं, एंड उसके एक ही अटैक गाइस ब्लेस माउंट गाइस एचपी गाइस आज भी से ज्यादा खत्म हो चुकी है।
यार मतलब अगर ये अपन को मिल गया भाई साहब, लो अपना ब्लेज माउंट में गया गाइस, पूरी तरीके से खत्म हो चुका भाई साहब, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। यार अपने तीन पोकेमोन को ये मार चुका है, ये रहा गाइस अपना चौथा फर्स्ट टीरियल गाइस, निकलते। अरे नहीं 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 नहीं, बच बच भाग 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 भाग, गया 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 गया, बच गया। तो भाई साहब बच गए हम लोग, नहीं तो गाइस ये निपटा ही देता यार। ओके तो ये थिंग गाइस इसका अटैक अपन के पास आएगा नहीं। ओके ड्रैगून चाहे कुछ भी हो जाए पर तुझे पकड़कर मैं ही लेकर जाऊंगा। यार ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसको हराने के लिए अपन को अपना लेवल गाइस इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग इसको हराने के बारे में सोच सकते हैं। बट उससे पहले गाइस फटाफट चलते गाइस अपने बेस पे, उसके बाद अपने पोकेमोन को एक्सचेंज करके चलते गाइस डीप स्पेस जाइगेंटोमैक्स फ्रोस्टेन को पकड़ने के लिए। तो चलो गाइस अपन लोग आ चुके मिस्टीरियस आइलैंड जहां पे रहते गाइस जाइगेंटोमैक्स पोकेमोन। तो वेल हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ के पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर रात हो गई तो उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी एंड उसके बाद यार अपन लोग उसको भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो वेल गाइस जल्दी जल्दी हमें उसे ढूंढना पड़ेगा यार। आई थिंक वो यहीं पे गाइस पिछली बार हमें गाइस मिला था एंड फाइनली गाइस अपन को एक साइनिंग फ्रोस्टेली एंड गाइस तो नॉर्मल है क्या। ओके आई थिंक ये साइनिंग फ्रोस्टेली जाइगेंटोमैक्स वाले को प्रोटेक्ट कर रहा है भाई। तो लेट्स सी गाइस चलो फटाफट इसके ऊपर अटैक करते गाइस एंड लेट्स सी गाइस अपन लोग इसको पकड़ पाते। चलो गाइस सीधा गाइस आइस स्पीयर से इसके ऊपर अटैक करते हैं, देखते गाइस अपने गाइस फॉर्म में गाइस आता है कि नहीं आता। वेल गाइस तो हम लोगों ने अपना पहला अटैक गाइस लॉन्च कर दिया है। वेल तो भाई नीचे उतर रहे हैं भला ये। ओ भाई साहब ये लो मैजिकल टोरनेडो चला दिए इसने एंड गाइस अपनी फ्रोस्टेलियन की हेल्थ गाइस आधी ज्यादा खत्म हो चुकी, देख रहे हो। यार नहीं नहीं मुझे फ्रोस्टेलियन को वापस बुलाना पड़ेगा एंड ये कौन सा अटैक है भाई साहब, डायमंड रैन। लोग गाइस स्टार्ट हो चुका है जाइगेंटोमैक्स फॉर्म इसका, देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा हो गया यार, मतलब क्या ये अटैक है इसके पास। एंड यार अगर इसको अपन लोगों ने पकड़ लिया जैसे अपन पिछली बार लुकारियो को पकड़ा था जाइगेंटोमैक्स लुकारियो को, एंड यार अगर हम लोगों ने इसको भी पकड़ लिया तो अपनी गाइस आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है एंड यार ये बैटल गाइस काफी भयानक सा होने वाला है। चलो गाइस प्लेडियस को भेजते हैं, देखते हैं लोग ये क्या करता है, क्योंकि गाइस अपने फ्रस्ट्रेटेड खेल देर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। एंड गाइस 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 अभी अपन लोग इसको भिड़ाने वाला गाइस अपने गाइस जाइगेंटोमैक्स लुकारियो से। तो चलो गाइस इसको वापस बुलाते हैं एंड भेजते हैं गाइस अपने गाइस जाइगेंटोमैक्स लुकारियो को। एंड ये रहा गाइस अपने लुकारियो का पहला अटैक। अबे लुकारियो कहां गया, गायब हो गया क्या? अरे लुकारियो किधर गया तू? ओके तो गाइस लुकारियो भाई साहब साइनिंग फ्रोस्टियल लुकारियो से फाइट कर रहा है। ओके तो गाइस चलो अपने इस लुकारियो को भी गाइस मेगा इवॉल्व करते हैं एंड उसको बनाते गाइस जाइगेंटोमैक्स लुकारियो, क्योंकि यार अपने नॉर्मल फॉर्म में आई थिंक इन दोनों को ये हरा नहीं पाएगा, बट गाइस आई थिंक जाइगेंटोमैक्स अगर ये बनता है तो शायद इन दोनों को अच्छी खासी टक्कर दे पाए। तो वेल गाइस चलो गाइस आई थिंक इसको अपन लोग कमांड देते गाइस जाइगेंटोमैक्स बनने के लिए। एंड गाइस स्टार्ट हो चुका अपना लुकारियो गाइस आई थिंक बड़ा होने वाला। वेल गाइस तो बन रहा अपना लुकारियो गाइस जाइगेंटोमैक्स बन चुका है एंड यार अपने लुकारियो की हेल्थ भी गाइस काफी ज्यादा कम हो चुकी है भाई। तो वापस यार फर्स्ट फ्लोर पे भेजते हैं। यार अगर अपन लोग इनमें से किसी को पकड़ना तो गाइस इनको डैमेज काफी ज्यादा देना पड़ेगा एंड अपन को बच के रहना पड़ेगा, अभी लोग डैमेज ज्यादा नहीं खाना गाइस, तब भी आई थिंक अपन लोग इनमें से किसी को पकड़ पाएंगे। एंड यार ये तो नीचे ही नहीं आ रहा, इसको मारूं कैसे? यार इसके ऊपर अटैक कर तो वो सामने आ जा रहा है, इसके ऊपर अटैक कर तो वो सामने आ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई लोग किसको करें। यार आई थिंक अपन लोग को सीधा अटैक करना पड़ेगा, प्लेडियस जा यार तू कुछ कर सकता है। वेल यार इसका ये फिर से अटैक नहीं, मेरे ऊपर नहीं करना। ये लो इसने वाटर लेवल मार दिया और मेरी गाइस शील्ड गाइस पूरी तरीके से टूट चुकी है एंड गाइस बस वन लेवल बचा है शील्ड मेरा, तो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। एंड यार इसको देख रहे हो, ये इसको पावर दे रहा है, क्या कर रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार, मतलब गया कहां वो? अरे ये मेगा वाला किधर गया भाई, जाइगेंटोमैक्स वाला किधर गया? ओके तो चलो गाइस अपना प्लेडियस भी गाइस फॉर्म में आ चुका है एंड गाइस दना दना इस गाइस काफी ज्यादा डैमेज दे चुका है। चलो गाइस पोकेबॉल फेंकते हैं। ओ भाई साहब पोकेबॉल के अंदर गाइस ये आ चुका है, अरे बाहर निकल गया। नहीं यार इसको अपन को और ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा, लुकारियो को भेजते गाइस जाइगेंटोमैक्स लुकारियो को। आई भाई लुकारियो जाइगेंटोमैक्स हो गया एंड गाइस ये डैमेज की दे रहा, अरे यार अपने जाइगेंटोमैक्स लुकारियो को निपटा दिया इन दोनों ने मिलके भाई, क्या मजाक है यार ये। चलो भाई एस्ट्रोकोन पूजा तू देखते भाई क्या करता है। यार इन दोनों को एक साथ हराना काफी ज्यादा मुश्किल है भाई, बट यार सबसे पहले गाइस मुझे गाइस साइनिंग फ्रोस्टेन को पकड़ना पड़ेगा यार, अगर मैंने इसको पकड़ लिया इसको जाइगेंटोमैक्स तो आराम से पकड़ लूंगा। अरे ये जाइगेंटोमैक्स वाला कहां गया भाई, गायब हो गया ये? वेल यार चलो गाइस मेरे तो गाइस अच्छा हुआ गाइस अपन लोग गाइस अब इसके ऊपर गाइस फोकस अच्छे से कर पाएंगे। एंड यार अगर ये अपन को मिल गया तो गाइस काफी हद तक गाइस अपन ड्रैगन या फिर पायरोलाइन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा भयानक है भाई ये। तो चलो गाइस सीधा इसके ऊपर अटैक करते हैं, तभी अपन लोग इसको पकड़ पाएंगे। देखते गाइस ये स्पीयर के अंदर आता है कि नहीं आता। ओके तो स्पीयर के अंदर तो गाइस ये आ जा रहा है, कैप्चर रेट 1.8 दिखा रहा है, बट यार इतने कैप्चर रेट में अपन इसको पकड़ नहीं पाएंगे, हमें इसको और ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा। एंड ये देख रहे हो भाई साहब इसके एक ही अटैक गाइस मेमोरीज पूरी तरीके से निपट जा रहा है यार, देख रहे हो भाई साहब कितना भयानक सा पोकेमोन है यार। यार मुझे कैसे बिगड़ के चाहे कुछ भी हो जाए इसको गाइस पकड़ के मैं लेकर जाऊंगा यार, मतलब बिना इसको पकड़े मैं जाने वाला नहीं। वेल गाइस फायर एरो इसके ऊपर चलाते गाइस, इसके ऊपर अच्छी तरीके से फायर एरो डैमेज दे रहा है, 168 का डैमेज मिल रहा है फायर एरो से।
मतलब जब ये बर्न हो रहा है तो इस काफी अच्छी खासी का डैमेज दे रहा है बिल को। आई थिंक अपन को फायर एरो इस पर चलना पड़ेगा भाई, गन से तो अच्छा यही रहेगा। बिल नहीं 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 बच गया यार। एस्ट्रोकोन कर क्या रहा है तू, फायर तो कर अच्छे तो भाई इससे। अब देखो इस स्पीयर के अंदर भी नहीं आ रहा गाइस ये, एंड यार इससे फाइट करते करते गाइस रात होने वाली है, बट अपन लोग इसको अभी तक नहीं पकड़ पाए यार, क्या मजा के भाई ये। अब यार फ्रोस्टीजन को लड़ाते हैं फ्रोस्टेलियन से, यही इसको गाइस पकड़ने में गाइस अपनी हेल्प कर पाएगा। एंड यार अपना कैप्चर रेट भी गाइस 8% का हो चुका, बट फिर भी यार ये बार एस्केप कर जा रहा है। एंड गाइस 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 यार मैं तो भूल ही गया था अपने पास बस 4 लेजेंडरी स्पीयर बचे गाइस, अगर इन चारों में से मैंने इसको नहीं पकड़ा तो यार ये फिर से अपन के हाथ से निकल जाएगा और हमारी गाइस पूरी मेहनत का गाइस पानी फिर जाएगा। यार यार अपने पास बस अब एक ही रास्ता है गाइस, जितनी ज्यादा कम हो सके अपन को इसकी एचपी करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद अपन को स्पीयर फेंकने पड़ेंगे, नहीं तो गाइस अगर ये मेरे दूसरे स्पीयर से बाहर निकल गया तो इसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यार। एंड मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा गाइस कि ये मरे ना यार, क्योंकि अगर ये मर गया तो वैसा फिर भी तब भी गाइस अपन की पूरी मेहनत गाइस खत्म हो जाएगी गाइस, मतलब कुछ नहीं बचेगा गाइस। यार हाथ से फेंकने में तो ये आ नहीं रहा गाइस, लॉन्चर से फेंकते गाइस शायद लॉन्चर से गाइस कुछ काम कर जाइए। ओके तो गाइस अपन लॉन्चर ले लिया गाइस, कैप्चर रेट 1% दिखा रहा अभी भी, दूर जाके फेंकते गाइस सही रहेगा। वेल तो गाइस फेंकते क्या, फेंक ओके तो गाइस कैप्चर रेट 8% दिखा रहा है भाई। नहीं यार फिर से निकल गया भाई, क्या मजा के भाई ये लो इसका गाइस डार्क लेजर। अब अपने पास ओनली 3 लेजेंडरी स्पीयर बचे गाइस, अगर इन तीनों वेस्ट हो गए तो फिर तो गाइस टट्टा बाय बाय हो जाएगा, इसको अपन लोग आज भी नहीं पकड़ पाएंगे। एंड यार अपन लोगों ने इसकी एचपी काफी ज्यादा ही कम कर दी है भाई लोग, देख रहे हो मतलब यार कुछ भी यार। यार अगर ये अपन को मिल गया तो अपन दूसरे किसी पोकेमोन को यार हरा सकते इजीली। एंड यार ये फिर से गाइस कितने अटैक इसके पास है भाई, तो यार अब मुझे इसे फाइट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी एचपी गाइस काफी ज्यादा कम हो चुकी है। एंड गाइस अगर फर्स्ट स्टेज ने इसको अटैक कर दिया किसी और पोकेमोन ने, ये गाइस टूट लेगा, इसमें पड़ जाएगा। 2% कैप्चर दिखा रहा है गाइस, 12% यहाँ पे हो चुका है, क्या लगता है अपन को ये मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। ओ भाई साहब अपन लोगों ने पकड़ लिया फ्रोस्टेलियन नॉक्ट को, तो चलो गाइस अब जल्दी चलते अपने बेस पॉइंट, देखते हैं अपना डीप इससे फ्रोस्टेलियन कितना ज्यादा पावरफुल है यार, एंड क्या ही मजा आने वाला है इसको राइड करने के बाद यार। एंड आई थिंक अपन को इसका गाइस सेटल गाइस अनलॉक करना पड़ेगा, तो वेल गाइस सेटल गाइस किधर है किधर। ओके तो यार गाइस तो चलो गाइस अपन लोगों ने सेटल को यहाँ पे लगा दिया, अब चल के देखते गाइस अपना अल्टीमेट स्पीयर गाइस पूरा कम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अबे भाई ये क्या मजा की इतनी देर में बस 4 स्पीयर बने, एंड यार ये स्पीयर कितने ज्यादा कूल लग रहे, व्हाइट व्हाइट यार मतलब एकदम ऑसम से लग रहे गाइस, देख रहे हो। तो यार अल्टीमेट स्पीयर को बनाने के लिए काफी ज्यादा वक्त लगने वाला, बट उससे पहले गाइस आई थिंक अपन का सेटल गाइस कंप्लीट होने वाला है। वेल तो गाइस लुक कर ही उन्होंने गाइस ऑलमोस्ट यहां पे गाइस कंप्लीट कर ही दिया है। तो वेल गाइस अपना सेटल गाइस कंप्लीट हो चुका है, अपन इसको इक्विप करके देन बुलाते गाइस अपने फ्रोस्टीजियन को। वाओ यार कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है यार, वाओ देख रहे हो। एंड यार इसके नीचे से गाइस ये इफेक्ट तो एकदम ऑसम लग रहे भाई, बोल दो एकदम ओपी लेवल के यार। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।